दोस्तों, बॉलीवुड जगत में देसी गर्ल के नाम से जाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बना ली है और प्रियंका ने अपने हुनर के दम पर ये पहचान बनाई है। दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा कि ठीक एक साल पहले प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकन सिंगर निक जोनस से शादी की थी। इतना ही नहीं, इन दोनों की शादी के समय काफी बड़े बवाल भी हुए थे क्योंकि प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से उम्र में पूरे 10 साल बड़ी थी। इसी वजह से लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया था। हालांकि इन दोनों की शादी को पूरा एक साल बीत चुका है और ये दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ में बेहद खुश हैं। जब से इन दोनों का रिश्ता जुड़ा था तभी से ढेर सारे सवाल लोगों के मन में चल रहे थे, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए और इन दोनों के बीच प्यार कैसे हुआ। वहीं कुछ का तो ये भी कहना था कि ये दोनों अक्सर पार्टियों में मिलते रहते थे। उसी दौरान इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन अब शादी का पूरा एक साल बीत जाने के बाद निक और प्रियंका ने अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो निक के प्यार में पागल हो गई थी। दरअसल बात यह है कि दोस्तों, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अमेरिकन पॉप स्टार निक जोनस को डेट करने से पहले ही अपना दिल हार बैठी थी। इसके पीछे की एक खास वजह थी जिसका खुलासा प्रियंका चोपड़ा ने अपने दिए एक इंटरव्यू में किया है। प्रियंका ने बताया कि जब भी वो सुबह उठती है तो कोई ना कोई गाना जरूर बजाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे गाने काफी पसंद है और प्रियंका की लाइफ कुछ हद तक संगीत में रही है और अब निक के साथ शादी करके वह पूरी तरह से संगीत में हो गई है। निक से प्यार व शादी करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी। निक एक बड़े पॉप स्टार है और वो उन्हें बेहद पसंद भी करती है। दोस्तों, आज इन दोनों के प्यार को देखकर ऐसा नहीं लगता कि प्रियंका चोपड़ा ने निक से शादी करके कोई गलती की है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी वायरल करते रहते हैं और एक अच्छे कपल्स की गिनती में भी आने लगे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी देखने में कैसी लगती है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।